इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है। नमस्ते, सदा वत्सल्य मातृभूमि। SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में जिस प्रकार पाकिस्तान की इंटरनेशनल धुलाई हुई और अभी हाल ही में भारत में रशियन रिप्रेजेंटेटिव ने जो पाकिस्तान के लिए कहा, मुझे लगता है कि हर एक भारतवंशी को ये बात सुनकर खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में रशिया खुलकर हमारे फेवर में खड़ा हुआ है और पाकिस्तान जैसे देश को इस समय ऐसे लतियाया जा रहा है जैसे कुत्तों को किया जाता है। कुत्तों से भी बेहतर उनकी पोजीशन हो चुकी है इस समय। अब वो थोड़ा बहुत खुश हो सकते हैं कि बिडेन वहां पर बढ़त लिए हुए हैं और बिडेन हो सकता है प्रेसिडेंट बन जाए, हालांकि अभी कुछ फाइनल रिजल्ट का डिक्लेरेशन नहीं किया गया है US के द्वारा, लेकिन फिर भी बिडेन से उनको कुछ उम्मीदें हो सकती हैं। हालांकि अमेरिका की पॉलिसी किसी प्रकार से बदलने वाली नहीं है। अमेरिका की पॉलिसी व्हाइट हाउस तय करता है, ना कि प्रेसिडेंट तय करता है, और वो दसियों साल आगे की सोचकर वो पॉलिसी तय होती है। फिर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो प्रेसिडेंट आएगा वो किस प्रकार रिप्रेजेंटेशन करता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस की कल जिस प्रकार से बैठक हुई और सभी राष्ट्राध्यक्ष, उसमें शी जिनपिंग भी थे और व्लादिमीर पुतिन भी थे, पाकिस्तान के इमरान खान और भारत के माननीय मोदी जी, ये सभी बोल रहे थे। हालांकि इनडायरेक्ट वे में मोदी जी ने अपनी बात कही और मोदी जी ने ये बताया कि सभी देशों की सॉवरेंटी मेंटेन रहनी चाहिए और ये हम सब का दायित्व बनता है, क्योंकि रीजनल फाइनेंशियल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं इस खत्ते में, इस एरिया में, तो फिर सॉवरेंटी अगर मेंटेन नहीं होगी तो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन अच्छा नहीं चल सकता। इसलिए सभी देशों की सॉवरेंटी मेंटेन रहनी चाहिए और सॉवरेंटी मेंटेन करते समय ये देशों को सोचना चाहिए कि वो किसी दूसरे देश की टेरिटरी में इंटरवेंशन तो नहीं कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को भी उन्होंने कहा, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मामले में, ये बात इनडायरेक्टली चाइना से भी कही और CPEC के मामले में भी कही। हालांकि उन्होंने सीधा नहीं कहा, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपनी बात कही और बाकी जो उन्होंने कॉपरेशन की बात कही और प्रॉमिस किया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पाकिस्तान जिस प्रकार बौखलाया और पागल हुआ है, उसको डेवलपमेंट आता नहीं है, क्योंकि वो डेवलपमेंट अगर कर रहे होते तो 1500 साल से डेवलपमेंट के रास्ते पर चल रहे होते, जब तक तेल नहीं खुदाई हुई खाड़ी में। और शायद आज से 1500 साल पहले लोगों को पता नहीं होगा जहां से ये पाकिस्तान के प्रशंसकों का वंश शुरू हुआ, उनको पता नहीं होगा कि यह जमीन के अंदर तेल बैठा हुआ है। लेकिन तेल की अगर खुदाई ना हुई होती आज से 100 वर्ष पहले लगभग या उसके बाद, तो शायद खाड़ी अभी सभी भूखों मर रहे होते, वो 1500 साल पहले का ही हिसाब चल रहा होता और दूसरे देशों पर हमले कर अपने भोजन की तैयारी कर रहे होते, भारत जैसे देशों पर हमला कर रहे होते, यूरोपियन देशों पर हमला कर रहे होते और अपने रोटी दाल चला रहे होते हमले कर करके। पाकिस्तान उस राह पर चल पड़ा है, उसको डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब अगर है तो इस्लाम से मतलब है, और इस्लाम से भी इस्लामिक लोगों की से मतलब नहीं। मैंने आपको दोपहर में एक वीडियो कल लेक्चर बताया था कि एक कानपुर के सज्जन पाकिस्तान चले गए इन्फिल्ट्रेट करके, पाकिस्तान में 20 वर्ष रहने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद उन्होंने उनको जेल भेजा, जेल भेजने का 8 साल की उनकी जेल हुई और 8 साल की जेल के बाद उन्होंने अमृतसर बॉर्डर पर उनको छुड़वा दिया, भारत चाहे तो रखे, नहीं चाहे तो जाए। वो भी मुसलमान थे जिनको ये सब कुछ के, तो इस्लाम से भी उनका कोई लेना देना नहीं है, मुसलमान से भी उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका लेना देना पता नहीं कौन सी दुनिया से है, उन्होंने कश्मीर का राग अलाप दिया। अब देखिए, ये जो शंघाई ऑर्गेनाइजेशन है ये काम करती है फिनेंस और इकोनॉमिक्स पर, रीजनल इकोनॉमिक समीकरणों को बिठाती है और एक दूसरे के साथ कॉपरेट करती है। मोदी जी ने टेक्निकल तरीके से कहा कि नहीं, सॉवरेंटी मेंटेन होगी तो ये सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, इसके साथ साथ सॉवरेंटी का हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब दौड़ पड़े कश्मीर को लेकर, बोले जम्मू कश्मीर में स्टेटस चेंज कर दिया, 370 खत्म कर दिया, ये वो डिस्टर्बेंस है, बायलेटरल इशू, अब वो बिना पाकिस्तान से पूछे कैसे कर दिया और ब्ला 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 बकवास कर बैठे। भारत ने अपनी बात को कहते हुए कहा कि दिस इज नॉट द फोरम फॉर द बायलेटरल इश्यूज, ये
पाकिस्तान और इंडिया के बीच का इशू है, ये फोरम ही नहीं है वो जहां पर आप लेकर आए। हम सब जानते हैं, कानून के जानकारों में ये पता है कि आप अगर गलत फोरम में जाएं तो डिसमिस हो जाएगी आपकी पिटीशन, गलत कानूनों के तहत जाएंगे तो भी डिसमिस हो जाएगी भले ही आपका केस जेन्युइन हो। यहां पर इस मामले में आप पहले तो हमारी टेरिटरी को कब्जा करके बैठे हुए हैं, हमारी टेरिटरी पर आपने अपने इंजन बैठा रखे हैं, और दूसरा हमारी टेरिटरी पर कब्जा करने के बाद आप सीपीसी बना रहे हैं और जो अभिन्न अंग भारत का है उस पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले तो मोदी जी ने शी जिनपिंग की उपस्थिति में और व्लादिमीर पुतिन की उपस्थिति में बताया कि भैया सॉवरेंटी मेंटेन रखो और ये फोरम नहीं है जहां पर आप ये बकवास करें। बाद में व्लादिमीर पुतिन ने भी ये बात कही, दिस इज नॉट द फोरम फॉर द बायलैटरल इश्यूज, ये बायलैटरल इशू के लिए फोरम नहीं है, यहां पर ये द्विपक्षीय वार्ताएं नहीं होती, आपके आपस में अगर कुछ टेंशन है किसी टेरिटरी को लेकर बाउंड्रीज को लेकर तो आप इस फोरम पर नहीं उठा सकते। चाइना ने उसका पालन भी किया, चाइना ने भारत के साथ चल रहे कन्फ्लिक्ट को किसी प्रकार से उस फोरम पर नहीं उठाया, जबकि भारत के साथ तो उनका मेजर कन्फ्लिक्ट चल रहा है और दोनों तरफ से सेना लगी, ना भारत ने उठाया। पाकिस्तान की चुलबुलाहट दिखाई दी, पाकिस्तान ने इस सब्जेक्ट को उठाया और उस पर पुतिन ने जिस प्रकार कमेंट किया, भारत के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार कमेंट किया, और उसके बाद जब हद तब हुई, जब रशिया के रिप्रेजेंटेटिव यहां एम्बेसी में भारत में डिप्टी इन्वॉय जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उनसे जब एक व्योन चैनल ने बात की तो उन्होंने कहा देखिए पाकिस्तान को हम हिदायत देते हैं कि बायलैटरल इश्यूज हैं, ये बायलैटरल इश्यूज अगर आपके कुछ हैं भी तो आप एससीओ जैसे उस पर नहीं उठा सकते, क्योंकि रशिया उसको हेड कर रहा है इस समय, आप उस पर नहीं उठा सकते और आपको अनुमति नहीं दी जा सकती। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो ये सिक्योर करना पड़ेगा पाकिस्तान को, और भविष्य में अगर उससे ऐसी गलती होती है तो एससीओ को सोचना पड़ेगा पाकिस्तान के विषय में कि पाकिस्तान को इसमें रखना है नहीं रखना है, पाकिस्तान का क्या होना है, पाकिस्तान का कुछ भला होना है नहीं होना है। मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल में जिस प्रकार सऊदी अरेबिया ने उनकी इंसल्ट की और वो इंसल्ट नरेश बन चुके हैं जिनके इंसल्ट करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, उनकी इंसल्ट करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, उनकी इंसल्ट राष्ट्राध्यक्ष पुतिन के मुंह से अच्छा शोभा नहीं देता, वो तो उनके डिप्टी और ये जो अंतरी मंत्री और छोटे सेक्रेटरी वेक्रेटरी वही करके निपटा देंगे, क्योंकि पाकिस्तान की हैसियत क्या है। पाकिस्तान एक अननेचुरल फील्ड पर बना हुआ देश है, मैं फिर से कहता हूं अननेचुरल जिस प्रकार देश बनता है वो देश कभी चल नहीं सकते, वो बहुत दूर तक नहीं चल सकते, अननेचुरल रिलीजन भी बहुत देर तक नहीं चल सकता, अननेचुरल संप्रदाय भी बहुत देर तक नहीं चल सकता। भारत भूमि पर भारत की प्रकृति के अगेंस्ट अरब की संपत्ति को, अरब की संपदा को भारत में अप्लाई करेंगे तो वो रिलीजन बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। आप भारत की जो अपनी भूमि है, ये उपमहाद्वीप है जो भरतखंड है, उपमहाद्वीप, इस उपमहाद्वीप की नेचर के अगेंस्ट में अगर आप कोई देश बना लेते हैं तो भी आप बहुत दिन तक नहीं चल सकते। आपकी खुलबुलाहट इसलिए है क्योंकि आप टूट रहे हैं, आपकी खुलबुलाहट इसलिए है क्योंकि आप समाप्त हो रहे हैं, आपकी खुलबुलाहट इसलिए है क्योंकि आप जनता को भोजन नहीं दे पा रहे हैं, आपकी खुलबुलाहट इसलिए है कि हिंदुस्तान में जो आपने सपने सजाए थे पाकिस्तान बनाते समय वो सपने आपके साकार नहीं हो सकते और होते दिखाई नहीं दे रहे हैं, भले ही तुम्हारे कितने भी सपोर्टर हिंदुस्तान में क्यों ना हो। ये ईश्वरी भूमि है, ये भगवान की भूमि है, याद रखिए, याद करिए, जब सिकंदर भारत में आया था तो उसके जो एरोडोटस, उसने कहा था कि भारत एक देवभूमि है, इस पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। सेलुकस लगातार कह रहा था सिकंदर से नो नो नो, ये नहीं, ये सब भड़का रहे हैं, लेकिन वो कह रहा था उनका दार्शनिक, भारत एक देवभूमि है, भारत पर कब्जा तो किया जा सकता है लेकिन भारत पर शासन नहीं किया जा सकता। वो बात 300 ईसा पूर्व की है, 2500 साल हो चुके हैं, 2500 साल में भी भारत का करैक्टर नहीं बदला। आप सोच लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य आया, मौर्यों के शासन के बाद फिर भारत टूटा, फिर गुप्त आए फिर एक कर लिया, फिर भारत टूटा, फिर तीन हिस्सों में भारत टूटा राजपूतों के टाइम पर, फिर मुगल आए तब फिर एक हो गया, अंग्रेज आए तो फिर एक हो गया, और अंग्रेज जब गए तो फिर टूटा, ये हर बार टूटता रहा। मुगल से अंग्रेज पर आए तब टूटा था, अंग्रेज से जब नेहरू पर आए तब टूटा था,
मौर्यों से जब गुप्तों पर आए तो बीच में टूटा था, ये भरत खंड बार बार टूटता आया, लेकिन ये अननेचुरल तोड़ होता है, ये अननेचुरल डिविजन्स हैं, इसलिए अननेचुरल डिविजन बहुत दिन तक टिक नहीं सकते, आप चिल्लाते चिल्लाते मर जाएंगे, आपकी मृत्यु निश्चित है। क्यों मृत्यु आपकी निश्चित है? क्योंकि आप अननेचुरली भारत की मूल प्रवृत्ति के खिलाफ आपने संप्रदाय स्वीकार किया, भारत की मूल प्रवृत्ति के खिलाफ आप कुछ पूजा पाठ की पद्धतियां अपनाने लगे, आप अरब की कॉपी करने लगे और आप उनको अपना माई बाप मान बैठे। इसलिए भारत की मूल प्रवृत्ति के खिलाफ किसी भी तरह से आप यहां शासन नहीं कर सकते, और यहां पर भारत का विखंडन कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन भारत हर बार एक हुआ है। इसलिए अब आप मृत्युशैया पर पड़े हुए हैं, आपके प्राण निकलने वाले हैं, प्राण निकलने वाले को लोग माफ भी कर देते हैं, मैं भी माफ करता हूं, क्योंकि आपके प्राण निकल रहे हैं, इसलिए आप कुछ भी कह लें, आपको वो सब कुछ अनुमति दी जा सकती है कि आप कह लीजिए, लेकिन आप कहिए तो ऐसा ना हो कि आपका समय थोड़ा दूर हो, 10-20 साल लगे, आप उससे पहले ही चिल्ला चिल्ला के अपनी एनर्जी वेस्ट कर ले और देश को तोड़ बैठे। इसलिए आपकी इंटरनेशनल बेइज्जती लगातार हो रही है, तो आप थोड़ा सा ख्याल रखिए, इन मामलों में थोड़ा सा आपको विचार करना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान थोड़ा चुप रहे तो एक सिंपैथी गेन कर ले। लेकिन आप उस प्रवृत्ति के हैं नहीं, क्योंकि आप अपने पिता के नहीं हुए हैं, आप भारतवर्ष के नहीं हुए, आपके वंशज, आप प्रशासन करने वाले लोग जो अपने पितामाओं के नहीं हुए, राम को छोड़कर कहीं और चल पड़े बैठे, राम को छोड़कर इस्लाम चल बैठे, तो फिर आपका भला कहीं नहीं होने वाला। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।